छठ पूजा वैसे तो मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब इसकी ग्लोबल पहचान बन चुकी है। लोक आस्था के इस पर्व में उगते और डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। छठ पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले छठ की अधिक मान्यता है और महत्ता है, और इसी महीने में लोग इस पर्व को व्यापक रूप से मनाते हैं। चार दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ शुरू होता है, जो कि इस बार सोमवार यानी 8 नवम्बर यानी कि आज हो रहा है। नहाय खाए के दिन व्रती गंगा या पास के नदी तालाब में डुबकी लगाती है और केवल एक बार सात्विक भोजन करते हैं। कार्तिक मास की पंचमी को खरना भी कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम को गुड़, अरवा, चावल की बनी खीर और रोटी खाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, और इसके बाद तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या में अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को। खास बात यही, खरना के दिन शाम में प्रसाद ग्रहण करने के बाद से करीब 36 घंटे तक यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने तक व्रती ये व्रत निर्जला करते हैं। इन चार दिनों में व्रतियों के लिए प्याज, लहसुन या किसी तरह का मांसाहारी भोजन वर्जित रहता है। तो छठ की छठा फिर से एक बार देखने के लिए मिल रही है, और पिछले साल 2020 में कोरोना की वजह से विशेष घाट नहीं सजे थे, नदियों तालाबों के पास मनाही थे, लेकिन इस बार दिल्ली में विशेष छूट दी गई है, अन्य राज्यों में भी छूट दे दी गई है। तो ऐसे में एक बार फिर से छठ की छठा जो है वो आज से देखते ही बन रही है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और वहीं जो घाट है उनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है।